लास्ट पार्ट है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। दो तीन चीज़ें याद रखनी, अगर क्वेश्चन आना होगा उस पर आ जाएगा। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब कि थर्मो का मतलब हीट, हीट से जनरेट हुआ हुआ करंट इज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अंदर एक टर्म यूज़ करेंगे जिसको थर्मोकपल बोलते हैं। दो डिफरेंट मटेरियल की वायर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं और जंक्शन, ये जंक्शन है इसके, इस अरेंजमेंट को थर्मोकपल बोलते हैं। लेकिन ये मटेरियल डिफरेंट होने चाहिए, जैसे आयरन और कॉपर, जैसे गोल्ड और कॉपर, तो ये थर्मोकपल है। तो तुम अगर एक थर्मोकपल के एक जंक्शन के टेम्परेचर को गर्म कर दो और एक को ठंडा कर दो, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो डिफ्यूज होंगे एक मेटल की वायर में से दूसरे मेटल की वायर में। जब वो डिफ्यूज होंगे, मूव करेंगे, तो फिर क्या होगा, उसमें करंट पैदा होगा, होगा बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, पर होगा। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये पहली बार जो ऑब्जर्वेशन ली थी वो सीबेक ने ली थी। इस इफेक्ट को बोला जाता है सीबेक इफेक्ट, तो ये सीबेक इफेक्ट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर मैं कोल्ड जंक्शन को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले लूं और हॉट को इंक्रीज करना शुरू करूं, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हॉट और कोल्ड का। मैं ये देखना चाहता हूं, ये थर्मो ईएमएफ है। थर्मो ईएमएफ का मतलब ईएमएफ जो जनरेट हुई है बिकॉज ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल की ईएमएफ और टेम्परेचर डिफरेंस, हॉट और कोल्ड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये ऑब्जर्व किया गया किसी भी थर्मोकपल के लिए, शुरू में जब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा हॉट और कोल्ड का, तो ईएमएफ बढ़ेगी। टेम्परेचर डिफरेंस और बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगी, मैक्स हो जाएगी, और टेम्परेचर डिफरेंस और बढ़ाएंगे, ईएमएफ बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, और फिर और बढ़ाएंगे तो जीरो हो जाएगी, और बढ़ाएंगे तो अपने डायरेक्शन करंट चेंज कर लेगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्राफ पैराबोला बनता है, ये पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है इसका, ये ऑब्जर्वेशन है। थर्ड पॉइंट जो आपने याद रखना है इसमें, वो ये है, रादर आप अपने बुकलेट के अंदर ये बनाई लें कि जब ये ग्राफ बनेगा, ठीक, ये ईएमएफ है, ये थर्मो ईएमएफ है, ये टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, थर्मो ईएमएफ यहाँ पर मैक्सिमम है, तो टेम्परेचर जब थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम होती है उसको न्यूट्रल टेम्परेचर बोलते हैं। तो न्यूट्रल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है हॉट जंक्शन का, क्योंकि कोल्ड तो फिक्स कर दिया जाता है, हॉट को बढ़ाया जाता है जब ईएमएफ मैक्स हो जाती है, और जब ईएमएफ अपने डायरेक्शन चेंज करती है, इसको टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। और ये देखा गया है किसी भी थर्मोकपल में ये और ये डिस्टेंस बराबर होता है, यानी कि थीटा एन माइनस थीटा सी इज थीटा आई माइनस थीटा एन, ये बराबर है। यहाँ से 2 into θn इज थीटा आई प्लस थीटा सी, थीटा एन की वैल्यू आएगी थीटा आई प्लस थीटा सी डिवाइडेड बाई 2। तो न्यूट्रल टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर कोल्ड और इन्वर्जन का, बस ये नोट कर लें। तो न्यूट्रल टेम्परेचर मिड पॉइंट में होता है, कोल्ड टेम्परेचर और हॉट इन्वर्जन टेम्परेचर के बीच में होता है, तो ये पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो ये रिजल्ट भी क्लियर है। हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए जिसमें आपको इन्वर्जन टेम्परेचर पता हो, कोल्ड पता हो, और आप न्यूट्रल पूछ रहे, तो आप एवरेज ले लेना, न्यूट्रल टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक। तो एक तो ये रिजल्ट है। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो ये रिजल्ट है, ठीक, कि अगर मैं इसमें जो पैराबोला का ग्राफ देखूँ, पैराबोला का ग्राफ की इक्वेशन ये होती है, ईएमएफ अल्फा थीटा प्लस हाफ इंटू बीटा थीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा वायर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, अल्फा बीटा क्वेश्चन में गिवन होते हैं, थीटा टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन है, ईएमएफ की वैल्यू टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन के साथ ऐसे चेंज होती है। तो ईएमएफ मैक्सिमम जब होती है तो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अगर मुझे ईएमएफ को मैक्स करना है तो मैक्सिमम मिनिमम हमने किया हुआ है, ईएमएफ को डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देते हैं। और अगर मैं ऐसा करूं, इसको डिफरेंशिएट ईएमएफ को इक्वल टू जीरो करूं, तो जो टेम्परेचर सॉल्व करके आएगा उसे बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। तो न्यूट्रल टेम्परेचर का ये फॉर्मूला आ गया,
इसके अंदर जैसे क्वेश्चन आएगा कि ईएमएफ की वैल्यू इज गिवन एज 2 × 10⁻³ − 3 × θ − 4 × 10⁻³ का स्क्वायर, वो कहेगा न्यूट्रल टेम्परेचर निकालो। तो दो तरीके हैं, या तो आप ईएमएफ को डिफ्रेंशिएट कर दें और इक्वल टू क्या पुट कर दें, जीरो, जो टेम्परेचर आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो ऐसा करें, मन में सोच लें ये क्या चीज़ है अल्फा, ये क्या टर्म है बीटा, तो आप न्यूट्रल टेम्परेचर का फॉर्मूला याद कर लें, माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, अल्फा को बीटा से डिवाइड करके न्यूट्रल टेम्परेचर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है यहाँ तक?